So I have taken enough example. If a number is divided by 4 and it is leaving a remainder 2. Now if number is divided by 4 and it is leaving number remainder 3, then what will happen? So another example is like 2527. What I'll do, I'll divide by 4. 4 6 are 24. 2 I'll copy. 4 3 are 12. Remainder is 0. Now I'll copy this 7. 4 1s are 4. So now remainder is 3. So again it is fulfilling the above property, because property says either remainder is 2 or 3. In both cases it will not a perfect square. तो अभी भी ये perfect square नहीं होगा. एक और इसी पे based example लें, so that the property will be more clear. 4 से हम divide देंगे. 4 4s are 16. 3 7 I will copy. 4 9s are 36. 1 4 3s are 12. In this case also remainder is 3. So it is also fulfilling the property. So this is not a perfect square. So these two important property, by using this property you can easily check जो भी आपको objective या short type questions आएंगे कि ये perfect square है या नहीं है, तो आप इन properties के through easily बता सकेंगे कि ये perfect square है या नहीं है. ठीक है, अब एक बहुत ही important concept हम पढ़ेंगे जिसको आप कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक. सो नाउ वी लर्न अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्मॉल कॉन्सेप्ट विच इज वेरी शॉर्ट, मीन्स आपका जो क्वेश्चन है उसको बहुत शॉर्ट कर देगा. इफ द सिचुएशन इज लाइक दिस देन व्हाट विल हैपन. लाइक आई एम हैविंग 337 स्क्वायर माइनस 336 स्क्वायर, और आई एम हैविंग 43 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर, और आई एम हैविंग 84 स्क्वायर माइनस 83 स्क्वायर. ऐसे कोई भी क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है कि यही डिजिट हो, बट पैटर्न अगर हमें ऐसा आ जाए देन व्हाट विल डू. आइदर यू कैन सॉल्व, भाई इसका आप स्क्वायर निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही करेंगे. सिमिलरली यहाँ भी आप 43 का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, 42 का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे एंड उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. बट एक अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ें और उसे अपने माइंड में हमेशा रखें, तो आप देखिए आप इसको कितना ईजी वे में सॉल्व कर पाएंगे. उसके लिए सबसे पहले यू नीड टू ऑब्जर्व दीज एग्जाम्पल्स. यहाँ पर जो भी नंबर है उससे एक ग्रेटर देन मीन्स सक्सेसर है आपका ये नंबर. दिस इज 42 means this is a successor of 42. This is 83 means this is a successor of 83. 84 is a successor. ठीक है, means एक number बड़ा है और उससे एक number छोटा है. ठीक है, इनको अगर हम variable के form में लिखें, like हमारे numbers होते हैं n, so in the first place it is n plus 1 square and in the second place it is n square. क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस, बिकॉज सक्सेसर मीन्स जो भी नंबर है उसमें 1 ऐड कर दो. तो आई वॉन्ट टू फाइंड 12 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर. सो 11 का ये क्या है? सक्सेसर है. 11 में 1 ऐड करा तब हमें 12 मिला है. अगर इसे हम वेरिएबल के फॉर्म में लिखें, सो दिस इज माई 11 एंड 11 में हमने 1 ऐड किया, सो दिस इज 12. आप कंपेयर कर सकते हैं, सेम है. ये न्यूमरिक फॉर्म में है एंड दिस इज इन वेरिएबल फॉर्म. फाइन, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया कि वो बेसिकली किस फॉर्म में है. सो नाउ वी गेट द पॉइंट दैट नंबर इज इन द फॉर्म सक्सेसर फॉर्म. ये नंबर जो है उसका सक्सेसर ये है. फाइन, नाउ दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर. फॉर्मूला मैं आपको यहाँ साइड में लिख देती हूँ. इफ वी हैव अ सिचुएशन लाइक दिस ए प्लस बी होल स्क्वायर देन विल ओपन इन दिस वे. तो हम ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्मूले रीड कर चुके हैं. नाउ आई एम हैविंग एन प्लस वन स्क्वायर मीन्स इन प्लेस ऑफ ए वी हैव एन, इन प्लेस ऑफ बी वी हैव वन. इसको हटा दें हम. ठीक है,
ए को कंपेयर किया तो इक्वलेंट टू एन है, एंड बी को कंपेयर किया तो इट इज इक्वलेंट टू वन. सो वी कैन अप्लाई फॉर्मूला. ए की प्लेस पे हमारे पास क्या है, एन. टू इन प्लेस ऑफ ए वी हैव वन एन, एंड इन प्लेस ऑफ बी वी हैव वन एंड वन स्क्वायर. सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन. सो इट इज फाइनली एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन. सो इसकी प्लेस पे आई कैन रिप्लेस इन दिस वे माइनस एन स्क्वायर. ठीक है, दिस इज प्लस एन स्क्वायर, दिस इज माइनस एन स्क्वायर, तो दिस बोथ टर्म विल बी कैंसिल. सो फाइनली इट इज टू एन प्लस वन. क्या मैं इसे n प्लस वन लिख सकती हूँ? मीन्स मैं इसे n प्लस वन प्लस एन ऐसा भी लिख सकती हूँ. सबका मतलब इनको अगर ऐड करें, इनको ऐड करें तो इट इज इक्वलेंट टू टू एन प्लस वन. क्या रिजल्ट मिला हमें? सक्सेसर और उससे पहले वाले नंबर को अगर ऐड कर दें तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा. What was my question? 12 square minus 11 square. This is n plus 1 and this is n. So my answer is directly a 23. मुझे इसे सॉल्व करके माइनस करने की जरूरत नहीं है. अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूं देन आई कैन डायरेक्टली राइट द आंसर 23. ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी को हम जनरलाइज फॉर्मूला बना लें कि इफ वी हैव सिचुएशन लाइक दिस एन प्लस वन होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर देन इट इज इक्वलेंट टू एन प्लस वन प्लस एन. मीन्स सक्सेसर वाला नंबर और उससे एक छोटा नंबर, उनको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे. नाउ माई एग्जाम्पल वॉज 337 स्क्वायर माइनस 336 स्क्वायर. So I can directly write 337 plus 336. इनको हम ऐड कर लेंगे. इनको ऐड करने से आपको आंसर मिलेगा 673. इनको हम सॉल्व भी करके देखेंगे. पहले हम ये प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन एक बार समझ लें. दिस इज सक्सेसर, ये उससे प्रीवियस नंबर. प्रॉपर्टी सेज इन्हें आप ऐड कर दीजिए. ठीक है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी खुद डिराइव करी and result is 167. हमने एक और एग्जाम्पल लिया था 43 square minus 42 square. So now it is equivalent to 43 plus 42 means 85. तीनों को हमने प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व किया. Now definitely आपके दिमाग में आएगा कि हम इसे चेक भी करके देखें. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व करेंगे. फर्स्ट विल सॉल्व डायरेक्टली एंड सेकेंड विल सॉल्व बाय द मेथड ऑफ स्क्वायर, जिससे आपको एक क्लियर हो जाए कि कितनी शॉर्ट ट्रिक है ये. फर्स्ट क्वेश्चन वॉज 337 स्क्वायर माइनस 336 स्क्वायर. दिस इज सक्सेसर, मींस एक बड़ा नंबर है और ये उससे एक छोटा है. प्रॉपर्टी सेज इफ यू हैव लाइक दिस देन इट इज इक्वलेंट टू दिस प्लस दिस. ये हमने ऑलरेडी डिराइव्ड करके देखा. सो वी कैन डायरेक्टली राइट इन दिस वे एंड आंसर इज 673. ठीक है, अब हम इसे लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व करके देखेंगे, तो आप खुद डिसाइड कर सकेंगे कि आपको प्रॉपर्टी याद रखना है या आपको सॉल्व करके देखना है. ठीक है, तो आपको खुद रियलाइज होगा कि शॉर्ट ट्रिक्स आर ऑलवेज यूजफुल, वेरी वेरी यूजफुल. नाउ 337 स्क्वायर, हम इसे क्या करेंगे, 337 मल्टीप्लाई बाय 337 माइनस 336 मल्टीप्लाई बाय 336. 337 का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 113569, जो आपको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, माइनस 112896. देखिए कितना लंबा रिजल्ट आया है. क्या आप प्रेफर करेंगे
नहीं, बट इन केस इफ यू आर नॉट रिमेम्बरिंग द प्रॉपर्टी देन तो आपको ऐसा ही सॉल्व करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग इन बोथ द वेज सो दैट यू कैन कंपेयर बाय योर सेल्फ कि विच इज इजियर वन. ठीक है, अब हम इन्हें क्या करेंगे, माइनस करेंगे. जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट देगा 673. सो दिस इज प्रॉपर सिंपल मैथड एंड दिस इज बाय ट्रिक. तो आप क्या प्रेफर करेंगे, ट्रिक को प्रेफर करेंगे. ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसी पे भेज लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा आसानी हो जाए. 84 स्क्वायर माइनस 83 स्क्वायर, इसका डायरेक्टली रिजल्ट तक आप लिखना चाहें तो दिस, एंड इट इज इक्वल टू 167. नाउ इसको अगर हम दूसरे मेथड से सॉल्व करें तो व्हाट, हाउ यू विल सॉल्व 84 स्क्वायर माइनस 83 स्क्वायर. नाउ यू विल मल्टीप्लाई 84 इंटू 84, सो यू विल गेट 7056 एंड इन दिस यू विल गेट दिस. जब आप इसको माइनस करेंगे सो आंसर इज 167, बट इट इज टू लेंदी एज वेल एज इट इज कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो, क्योंकि एक भी डिजिट की अगर आपकी मिस्टेक हो गई, क्योंकि जनरली हम मैथ्स में क्या करते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे जो होते हैं 8th 9th के स्टूडेंट्स, वो सिली मिस्टेक्स करते हैं, इवन हमसे भी आज हो जाती है. तो सिली मिस्टेक अगर इसमें एक भी डिजिट की हो गई तो आपका रिजल्ट भी डिस्टर्ब हो जाएगा. तो बेटर है कि लॉन्ग मेथड को चूज करने की बजाय हम प्रॉपर्टी को याद रखें, तो कई सारे क्वेश्चंस हम बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं. सो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी, कि अगर एक नंबर और उससे एक छोटा नंबर है उनके स्क्वायर्स और उन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, देन द रिजल्ट इज उन दोनों नंबर को हम ऐड कर देंगे. ठीक है, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको आप हमेशा माइंड में रखिए. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन. स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन. First, you need to know what is fraction. Fraction means those numbers who are having numerator and denominator. कोई भी number ले ले, like I am taking 1/2. This is a fraction, proper fraction. Yes. Now, property says square of this. So, I am squaring 1/2. Result is 1/2 multiplied by 1/2 means 1/4. So they are saying that square of proper fraction, this is smaller than the fraction. Means you can write 1/4 is less than 1/2. ये आप directly भी देख के बता सकते हो observation के through. 1/4 means like you have a pizza and I am asking 1/4 piece. तो वो कितना होगा? बहुत छोटा सा होगा. This is 1/4. 1/4 means this piece and half means this whole piece. So which is lesser? 1/4. So they are saying जो भी square आएगा, which is always less than जो आपका actual number था. कोई और example ले ले, like I have 2/3. So square of 2/3. क्या करेंगे आप? 2/3 multiply by 2/3. Numerator will multiply to the numerator and denominator. So result is 4/9 means the square of 2/3 is less than जो original number लिया था जिसका हमने square निकाला. तो ये हमेशा fulfill होगा. आप चाहे कुछ भी number ले ले, like you are taking 1/5. So square is 1/5 multiplied by 1/5 means 1/25. So 1/25 is always less than 1/5. So this is another important property which is saying square of a proper fraction. जो भी हम property apply कर रहे हैं वो fraction पे apply कर रहे हैं. जो result आएगा, result is always less than the actual जो हमने fraction लिया था. ठीक है, so ये भी आप mind में रखेंगे. इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद अब हम थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जिसपे हम प्रॉपर्टी को अप्लाई करके चेक कर सकें.
ठीक है. गिव रीजंस टू शो दैट. माय फर्स्ट एग्जांपल इज शो दैट नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज परफेक्ट स्क्वायर. फर्स्ट इज 2162. नाउ फर्स्ट इज यू कैन सॉल्व, यू कैन फैक्टराइज एंड यू कैन चेक वेदर इट इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. बट इतनी सारी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी तो उसका यूज नहीं हो पाएगा. फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी, इफ नंबर इज एंडिंग बाय आइदर 2, 3, 7 और 8, देन इन दिस केस यू कैन डायरेक्टली से दैट दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो आपको ये बेटर लगेगा या फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करना बेटर है? नहीं, डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई करना बेटर है. तो आप क्या लिखेंगे? एक हम आपको लिख के बताएंगे, नंबर एंडिंग इन टू इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. सो दिस इज वेरी इजी. सेकेंड इज 6843. अगेन यू विल चेक द लास्ट डिजिट विच इज एंडिंग बाय 3. सो आप ये का ये कॉपी कर देंगे, नंबर एंडिंग इन 3 विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सिमिलरली 9637, अगेन इट इज एंडिंग बाय 7. नंबर एंडिंग बाय 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. कॉपी कर देंगे आप उसको. फोर्थ इज 6598, अगेन इट इज एंडिंग बाय 8. सो ये का यही स्टेटमेंट आप कॉपी करके कहेंगे, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो स्टूडेंट प्रॉपर्टी के थ्रू आपने चार क्वेश्चन जो है कितने इजी वे में कर लिए. अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती तब आपको इसे सबको फैक्टराइज करना होता और फैक्टराइज करके पेयरिंग बना के आपको इस परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं ये फाइंड करना होता, तो वो लेंथी हो जाता. तो बेटर है यू रिमेंबर द प्रॉपर्टी, राइट. एग्जाम्पल टू इज गिव रीजन टू शो दैट give reason to show that none of the numbers six four zero eight one triple zero 36 five times zero is a perfect square. Question को अच्छे से observe करेंगे. First is 640, ending by 0, and यहाँ पर कितना 0 है? केवल 1. There is only 1 0. 1 is odd. This number is not odd. This quantity of 0 is odd. And what was the property? If number is ending by odd number of zeros, then the number will never be a perfect square. तो यहाँ पर केवल एक zero है, so it will not a perfect square. So आप result में क्या लिखेंगे? We know that a number ending in odd number of zeros is never a perfect square. Property को copy करेंगे, perfect square. Similarly, second one is 81,000. Again ending by zeros and the number of zeros are odd because 3 है, 3 is odd. So same आप इसमें लॉजिक लिखेंगे, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर.
third one is 36 and 5 times 0. Number ending by zeros and there are 5 zeros. और जब भी 5 0 है means वो odd है. So आप ये का ये property को copy as it is कर दें. ठीक है. Third example is state whether the square of 2 वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन एंड वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. हमें ये बताना है कि जो भी नंबर है उसका स्क्वेयर ऑड होगा या इवन होगा. 523 इसका हमें स्क्वेयर फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, 523 का स्क्वायर करेंगे. हम इसे सॉल्व करके देखेंगे. फर्स्ट तो 273529 बट ये लॉन्ग हो जाएगा. हमें स्क्वायर फाइंड करने को नहीं कहा है. ओनली दे हैव आस्क्ड वेदर द स्क्वायर इज ऑड और इवन. उसके लिए हम नंबर को चेक करेंगे. नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 3. 3 इज व्हाट, ऑड नंबर. नंबर एंडिंग बाय ऑड नंबर देन द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड. करके मैंने आपको इसलिए दिखाया, यहाँ पर रिजल्ट में एंड में क्या है, अगेन ऑड. तो स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड. बट आपको यहाँ पर स्क्वायर फाइंड आउट नहीं करना है, आपको केवल आंसर देना है वेदर द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज इवन और ऑड. तो आपको जो एक्चुअल नंबर है उसकी लास्ट डिजिट देखनी है और वो डिजिट देख के डिसाइड करना है कि इट इज ऑड और इवन. इफ इट इज ऑड देन द स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड, इफ इट इज इवन देन द स्क्वायर इज ऑल्सो इवन. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल इसी पे बेस ले लेते हैं हम, 654. तो आप लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज इवन. Why even? Because it is ending by 4 and 4 is a even number. आप और इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं, number ending in even number. So the square of this number is even. 6776. So आप क्या करेंगे, number ending in even. So the square of this is automatically, this number is even. Similarly 181, number ending odd. So the square of is this number is also odd. तो ये भी बहुत पहचानना easy हो जाएगा. नंबर का एंड डिजिट जो है उससे भी बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. इफ इट इज ऑड देन द आंसर विल बी ऑड, इफ इट इज इवन देन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर विल बी इवन. अगर वो एंड बाय जीरो हो रहा है तो जीरो को हम काउंट कर लेंगे कि वो कितने हैं. अगर वो इवन है तो छोड़ देंगे, ऑड है तो अगेन हम कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. तो देयर आर सो मेनी वेज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस. Another example is find the square of 609 का हमें square find करना है. Before starting this example, I would recall three basic formulas which are very very important for your 8th standard or further classes also. A plus B whole square is always equal to A square plus 2AB plus B square. Another one is a minus b whole square, which is always equal to a square minus 2ab plus b square. And similarly, if we are having this kind of situation, then it is equal to a plus b a minus b. As I told in my earlier classes also, this is the base of the algebra. जब भी आप एल्जेब्रा या कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपको ये तीन फॉर्मूले तो हमेशा माइंड में रखना ही है. ठीक है. अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन है 609 का स्क्वायर फाइंड करना है. आप कहेंगे मैम हम सिंपली ऐसा भी तो कर सकते हैं.
ठीक है, सो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, बट ये तो लेंदी होगा और स्ट्रेट मेथड हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हमने जब फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं सो विल अप्लाई दिस बेसिक फॉर्मूलाज। 609 को कैन आई राइट इन दिस वे? यस, एंड इट इज इक्वलेंट टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, means in place of A we have 600 and in place of B we have 9. Formula says A square plus 2AB plus B square. So A is 600 plus 2AB plus B square. I have applied this identity in very simple way. ठीक है, now इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 600 का स्क्वायर इज वेरी इजी, प्रॉपर्टी के थ्रू हमने अभी पढ़ा, 6 का स्क्वायर इज 36 एंड टू जीरोज हैं तो वो ट्वाइस हो जाएंगे तो 4 हो जाएंगे, ठीक है, प्लस 2AB, 6 टू जो 12, 12 नाइन जा 81, तो 8100 प्लस 9 नाइन जा 81, इसको जब हम ऐड करेंगे so it will give you 370881. देखिए यहाँ पर हमें स्क्वायर निकालना बहुत इजी हुआ, why so? Because we have learned properties कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन आए कि जीरोज हैं तो सबसे पहले तो जीरो देख लीजिए कितने हैं, यहाँ पर दो हैं, एंड वी आर डूइंग स्क्वायर ऑफ दीज टू जीरोज तो ट्वाइस हो जाएंगे, टू का ट्वाइस क्या होगा, डबल क्या होगा, फोर, That's why I have put four zeros and six square is 36. क्योंकि 10 तक तो हमने आपको वैसे भी बताया कि बिल्कुल फ्लो में आपको याद होना चाहिए, वन स्क्वायर इज वन, टू स्क्वायर इज फोर, थ्री स्क्वायर इज नाइन, फोर स्क्वायर इज 16, फाइव स्क्वायर इज 25, सिक्स स्क्वायर इज 36. कितने सिंपल वे में एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो हम इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें आइडेंटिटी के थ्रू ही सॉल्व करेंगे. अनदर वन इज 725 square. So what we'll do? We'll write in this way 700 plus 25 whole square. अब आप compare कर लेंगे. In place of A, we have 700. In place of B, we have 25. So we'll apply the identity. A square and A is what? 700 plus 2 AB. यहां पर मैंने डॉट पुट किया है, मींस इट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस 25 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करें, 700 का स्क्वायर क्या होगा आप बताइए, यस 49 एंड फोर जीरोस, वहां पर टू जीरो हैं तो उनका ट्वाइस हो जाएगा, प्लस इसे सॉल्व कर लें, 25 टू जा 50, 57 जा 35, 0, 0, 3 zeros, plus 25 square is 625. Finally, you will add this and you will get 525, 625. So, जब भी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि हमें कोई नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो विल ट्राई टू यूज दीज प्रॉपर्टीज, और वो भी जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस की लगे, कभी माइनस की भी लग सकती है, कभी ये भी लग सकती है. सो नाउ विल मूव टू दी माइनस, अभी हमने प्लस के क्वेश्चन लिए, अब हम माइनस के क्वेश्चन लेंगे, राइट. नाउ इफ यू हैव सिचुएशन लाइक दिस, वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 99 स्क्वायर, देन आप इमीडिएटली कहेंगे मैम ने अभी प्लस का आइडेंटिटी यूज किया, तो हम उसी तरह से ऐसा लिख सकते हैं, बट ये सही है, बट इट विल बी लेंदी. व्हाई? बिकॉज यू नीड टू फाइंड द 90 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर एंड 2AB की टर्म अलग आएगी. अगर हम इसे ऐसा लिख दें तो वो ज्यादा इजी नहीं होगा, राइट. बिकॉज 100 का स्क्वायर फाइंड करना इजी है, जितने जीरोज हमारे पास आए उनका स्क्वायर फाइंड करना उतना ही इजी है, बिकॉज जितने भी जीरो होंगे उनका स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो ट्वाइस हो जाएंगे. तो
100 square, to find the 100 square is more easier than to find the 90 square. ठीक है, तो आप चाहें तो ये कर सकते हैं, but you will not prefer this. You will simply prefer this. Now, this is equivalent to a minus b whole square. Means, in place of a, we have 100, and in place of b, we have 1. The identity says a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square. So 100 minus 1 square is equal to a means 100 2ab plus b kya hai hamara 1 and 1 ka square. Now 100 square is directly you can write kyunki do zeros hain to 4 ho jayenge minus 200 plus 1. So, इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो इट विल गिव यू आंसर 9801. सो हमने 99 का स्क्वायर बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी क्या निकाला 9801. सिमिलरली एक और एग्जांपल लेंगे लाइक आई हैव 197 स्क्वायर. सो व्हाट आई डू आइदर यू कैन राइट 100 प्लस 97 स्क्वायर. अब आप कहेंगे मैम यहाँ 100 आ गया तो ये तो बहुत इजी है फाइंड करना, 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा. बट 97 का तो आपको फाइंड करना पड़ेगा तो ये टफ हो जाएगा. इसकी प्लेस पर इसको हम प्रिफर नहीं करेंगे. स्टूडेंट्स ये जो मैंने ऑप्शन बताए ये आपको पॉसिबिलिटीज बताई हैं कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है बट विल नॉट प्रिफर दिस पॉसिबिलिटी बिकॉज इट इज लेंथी एंड अननेसेसरी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना रही है बट ये क्वेश्चन को स्मूथ बना रही है. और हमारा पर्पस ये होता है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो ईजी वे में जितना सॉल्व हो सके उतना बेटर होगा. ठीक है, अब इसे हम लेंगे तो इसे क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ 200 माइनस 3 होल स्क्वायर. सो इट इज मोर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट बट इट इज मोर करेक्ट. नाउ ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए इज 200 एंड बी इज 3. So we'll apply the property a square minus 2ab plus b. देखिए कितने सिंपल वे में प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है. 200 स्क्वायर इज ये डबल हो जाएंगे, यहाँ पे 20 थे तो 4 जीरोस हो गए. माइनस 3 2 6 2 1200 प्लस 9. आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव यू आंसर 38809. So by using the identity of a minus b whole square, कितने इजी वे में हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया. अगर आप प्रॉपर्टी बाय चांस भूल जाएं, देन आपके पास ओनली वन ऑप्शन, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें बट वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा. तो बेटर है कि हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने की बजाय यू प्रॉपर्टी का यूज़ प्रॉपरली करेंगे. ठीक है, तो हमने प्लस की भी आइडेंटिटी कवर करी और माइनस की भी आइडेंटिटी कवर करी.